वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी तवनीत कौर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 5। तो यहां गाइस, जैसे आपकी प्रीबोर्ड्स आपके सिर पर है, फिर कुछ महीनों के बाद आपके फाइनल्स में है, सो वी नीड टू कवर आवर सिलेबस ऑन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आज लाइन द चैप्टर 5 की वीडियो, द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेक्सचुअल एंड टेबुलर। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के स्टैट्स के पढ़ा था कोपाइलट, किसी को याद है? नहीं याद तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, मस्ट वॉच द वीडियो। तो मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था कोपाइलट, तो वो कोपाइलट क्या था? सी स्टैंड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड के साथ, ऑर्गेनाइज करना उसको ढंग से टेबल्स की फॉर्म में, और प्रेजेंट। अब हम आगे पीपल, पी स्टैंड्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज्ड भी कर लिया इन प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर। अब बात करनी प्रेजेंटेशन की, तो डाटा को भाई प्रेजेंट कैसे करते हैं? प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? आपके टीचर्स भी बोलोगे कभी कि प्रेजेंटेशन दे दो, तो व्हाट इज प्रेजेंटेशन वो देखो। सो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ द डाटा, मीन्स एग्जीबिशन मतलब टू प्रेजेंट द डाटा। आप एग्जीबिशन की जगह प्रेजेंट भी लिख सकते हो, वर्ड मीन्स एग्जीबिशन ऑफ द डाटा। किसको प्रेजेंट करना, किसके एग्जीबिशन लगाना? डाटा की, इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव वे फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अभी मैंने आपके सामने बोर्ड पर कुछ डाटा लिखा हुआ है, मैंने यहां पर डाटा लिखा है, हियर इज द डाटा, हियर इज द डाटा। सो मेरा डाटा बहुत ही क्लियर और अट्रैक्टिव वे में, ताकि आपको क्या हो जाए, इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, राइट? बुक में बहुत कुछ लिखा है, उस सबको देखने से आपको इतना अच्छे से डाटा नहीं समझ जाएगा, विच कैन बी अंडरस्टूड टू यू बाय द वीडियो। व्हाई? बिकॉज इट इज इन अ अट्रैक्टिव एंड क्लियर वे, कहीं पर कुछ गंदा नहीं लग रहा, कुछ अजीब नहीं लग रहा। ठीक है, ओनली पॉइंट तक की हमने बात की है। सो हमने डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करना, इस तरह से एग्जिबिट करना, ताकि वो साफ सुथरा लगे और अट्रैक्टिव लगे। क्यों लगे? ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब मैंने लिखे टेक्सचुअल एंड टेबुलर, मेनली दिस चैप्टर फोकस ऑन दिस विच इज टेबुलर, बट फॉर द शॉर्ट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो टेक्सचुअल नाम से पता चल रहा है, नाम में भी आ रहा है उसके, टेक्स्ट। तो भाई टेक्स्ट क्या होता है? मैंने बोला आई टेक्स्ट यू ऑन द व्हाट्सएप, टेक्स्ट क्या होता है? मतलब मैसेज कर देना। मेरा कहने का मतलब तो ये था ना कि आई विल मैसेज यू। ठीक है, तो टेक्स्ट का मतलब रिटन फॉर्म में। ये सारा जो डाटा आपके सामने है, ये सब रिटन फॉर्म में है, सो इट इज अ टेक्स्टुअल डाटा इन रिटन फॉर्म, अल्फाबेटिक फॉर्म। अल्फाबेटिक्स है ना, यहाँ पर सभी अल्फाबेट्स को हमने ज्वाइन किया, सेंटेंसेस बनाए और आपके सामने डाटा प्रेजेंट कर दिया। सो क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ स्टडी। तो ये टेक्स्ट है, मतलब जो हम डिस्क्रिप्शंस देते हैं वो हो गया था रिटन फॉर्म में। इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर, ये एक तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, मेरा मैटर था, मेरा जो टॉपिक था वो था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो उसको डिस्क्राइब करना ही अल्फाबेट्स में टेक्स्ट की फॉर्म में उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव डाटा, टेक्स्टुअल डाटा और डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्यों? इसका कारण आपको मैंने फर्स्ट सेकंड में बता दिया, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, फोर्थ आता है इट इज सुटेबल ओनली व्हेन द क्वांटम, क्वांटम मतलब जो आपकी थ्योरी है डाटा की, जो आपने बतानी है वो ज्यादा लंबी नहीं है, इट इज नॉट टू लार्ज। छोटी सी थ्योरी है, बहुत छोटी सी बात आप बताना चाहते हो, तो इट इज कैन बी डन थ्रू टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की, मतलब कहाँ कहाँ टेक्स्टुअल डाटा हमारा सही नहीं लगता, एंड वी गाइस प्रेफर दिस टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा। दो पॉइंट्स बताऊंगी, दोनों ही काम के। वन हैज टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। वन हैज टू रीड और गो थ्रू विद द एंटायर टेक्स्ट। सेकंड, इट एड्स बैठ के नबराना नहीं बिकटी बात नहीं सेकंड इट एड ओनली डिस्कम्फर्ट टू द रीडर।
तो डीलर के लिए ये कंफर्ट जोन नहीं है, ये आपको बहुत प्रॉब्लम के लिए क्रिएट कर देगा। अगर मैं कुछ भी ना बोलूं, बस यहाँ पर आकर खड़ी हो जाऊं और ये सब लिखे पढ़ लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, अब इसको मैं टेबल्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, पाई चार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करूंगी, तो मेरे बोलने से पहले ही आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्या होने वाला है। सो टेक्सचुअल डाटा यहाँ पर हमारा ड्रॉबैक है उसका, यहाँ पर वो फेल हो जाता है टू प्रूव इज कम्फर्ट जोन। तो ये डिसकम्फर्ट है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ डाटा है, कहाँ पर सुटेबल है, कहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स है, वो आपको समझ आ गए। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक, दैट इज टेब्यूलर, मतलब टेबल्स के फॉर्म में जब डाटा होता है तब उसको क्या बोलते हैं। सर विद टेब्यूलर फॉर्म ऑफ डाटा, तो टेब्यूलर का मेन मकसद क्या होता है, टेबल्स। तो भाई टेबल्स क्या होता है वो देखते हैं। सो टेबल्स को हम ये बोल सकते हैं, अ स्टैटिस्टिकल टेबल और अ टेबल इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, तो रोज और कॉलम्स के बीच में जब हम डाटा लिख देते हैं एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर उसी को बोला जाता है टेबल्स। अब कॉलम्स और रोज आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर नहीं पता तो देखो जो आपकी रोज होती है वो हॉरिजॉन्टल डाइसेक्शन होती है और कॉलम्स आपके वर्टिकल। सो कॉलम्स आपके वर्टिकल्स होते हैं, रोज आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। अब बात करते हैं टैब्यूलेशन पर, इन दोनों का आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन टेबल्स एंड टैब्यूलेशन। तो टेबल मैंने बता दिया, टैब्यूलेशन इज अ मेथड, इट इज अ मेथड और प्रोसेस, मेथड या फिर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, कौन सा मेथड, डाटा को प्रेजेंट करने का, ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। अब अगर मैं कोई भी डाटा इस टेबल में लिख रही हूं तो लिखने के मेथड और प्रोसेस को ही बोला जाता है टैब्यूलेशन और इस फॉर्मेट को बोला जाता है टेबल। फॉर्मेट में बाद में आते हैं, पहले देखते हैं कि टेबल के पार्ट्स क्या होते हैं, फिर साथ साथ में आपको फॉर्मेट समझ आ जाएगा। टेबल और टैब्यूलेशन आई होप आपको समझ आ गया। अब देखते हैं उसके पार्ट्स। तो सबसे पहला उसका पार्ट होता है टेबल नंबर। सो हमने हर टेबल को डिफरेंट डिफरेंट नंबर देने हैं। सपोज मैं क्लास की टीचर हूँ और मैंने क्लास में बहुत सारे टेबल्स बना दिए हर बच्चे के नेम के, one for someone and one for someone। तो अब अगर मुझे किसी एक बच्चे का, स्पेसिफिकली स्नेहा का निकालना है कि उसका डाटा क्या है, टेबल उसका निकालना है, तो ऐसे तो मेरे को सभी टेबल्स को ओपन करके देखना पड़ेगा कि हर टेबल में किसका स्नेहा का है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल अलॉट एवरी टेबल अ नंबर, एग्जांपल 1, 2, 3 ऐसे। मुझे पता होगा कि स्नेहा का रोल नंबर 32 है, तो आई विल ओपन टेबल नंबर 32। ठीक है, तो हमने टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर कुछ यहां पर, इसके ऊपर हमने टेबल नंबर देना होता है लाइक दिस, टेबल नंबर 32। ओके, नेक्स्ट का कम्स आर टाइटल। तो टाइटल आपको देना होता है टेबल का। मेरे टेबल का टाइटल, सपोज स्नेहा का मैं टेबल बना रही हूं, तो मैंने टाइटल भी दे दिया स्नेहा। ठीक है, और ये भी जो आप टेबल के ऊपर टाइटल देते हो वो टेबल के ऊपर दे रहे हैं, टेबल के अंदर नहीं। तो टेबल के ऊपर क्या होना है, टेबल नंबर और टाइटल। टाइटल हमेशा छोटा, और टाइटल क्या होता है, इट मस्ट बी शॉर्ट, अट्रैक्टिव और कवरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहते हो। तो टाइटल क्या होता है, टाइटल आपका हमेशा छोटा होना चाहिए। मेरा टाइटल क्या है, स्नेहा, इट्स टू शॉर्ट, छोटा और अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स हेड नोट। हेड नोट भी टेबल के ऊपर ही आता है, स्नेहा के नीचे जो एक लाइन बचेगी वहां पर मैं लिखूंगी अपना हेड नोट। ये कंपलसरी नहीं होता है हेड नोट लिखना है, हेड नोट लिखना तब जरूरत है जब हमें ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम देना चाहते हैं, बट हम टाइटल में नहीं दे पा रहे क्योंकि हमें पता है टाइटल छोटा होना चाहिए। तो टाइटल को छोटा रखते हुए जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है टेबल के रिगार्डिंग और हम नहीं दे पा रहे, उसको हम हेड नोट में डाल देते हैं। लाइक स्नेहा है, मैंने टाइटल दिया, बट इसका हेड नोट में मैं लिख देती हूँ अकाउंटेंसी मार्क्स। ठीक है, तो मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये टेबल किसके लिए है, स्नेहा के अकाउंट्स के मार्क्स के लिए। तो ये सब अगर मैं टाइटल में लिख दूंगा तो टाइटल बहुत लंबा चल जाएगा, विच डजंट लुक नाइस। तो टाइटल को छोटा रखना है, इसलिए मैंने स्नेहा लिख दिया और हेड नोट में मैंने उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन दे दी, विच आई नीड टू इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट द टेबल। नेक्स्ट कम स्टब्स और कैप्शंस।
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टब्स और कैप्शंस। जैसा हमने टाइटल पढ़ा, टेबल का टाइटल होता है ना, वैसे स्टब्स और कैप्शन भी टाइटल होते हैं। दीज आर टाइटल, टाइटल्स। अब स्टब किसका टाइटल है और कैप्शन किसका टाइटल है वो देखते हैं। स्टब इज टाइटल फॉर रोज, कैप्शन इज टाइटल फॉर कॉलम्स। टाइटल फॉर कॉलम्स, अब देखो रोज क्या है, हॉरिजॉन्टल, और कॉलम्स क्या है, वर्टिकल। तो कॉलम ये है, ये है, ये है, और ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। तो कॉलम की जो हेडिंग है, यानी यहां पर मैंने ऐसे हेडिंग दी रोल नंबर, यहां पर मैंने दे दी गर्ल्स, बॉयज, टोटल, ठीक है। तो ये जो मेरा रोल नंबर है, ये किसका टाइटल है, किसकी हेडिंग है, इट इज अ हेडिंग फॉर द कॉलम। कॉलम की हेडिंग है ना, ये कॉलम की हेडिंग है रोल नंबर, इस कॉलम की हेडिंग है गर्ल्स, इसकी बॉयज और इसकी टोटल, लाइक दिस, ठीक है। तो इनको ही क्या बोलते हैं, कैप्शन। अब स्टब्स क्या होती है, रोज की हेडिंग। अब यहां पर जो रो आ गई, ठीक है, जैसे यहां पर एक रो बन चुकी है ऑलरेडी, दैट इज स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहां पर जैसे मैं लिखूंगी रोल नंबर के साइड पर ही कि रोल नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सब क्या है मेरे स्टब्स, जो मेरे रो के बारे में बता रहे हैं, राइट। तो ये हो गया, सारा रोल नंबर का बच्चा जो है वो गर्ल है या फिर बॉय है या क्या है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टब्स और कैप्शन के बारे में। अब आती है बॉडी एंड फील्ड। बॉडी को फील्ड भी कह सकते हैं। तो बॉडी और फील्ड क्या होता है, बॉडी जो आपका मेन कंटेंट है टेबल का। अब मेन कंटेंट मेरा जैसे यहां पर था, और बॉडी में क्या होता है, बॉडी कंटेन्स सेल्स, इसके अंदर क्या होते हैं सेल्स। अब सेल्स क्या होता है, आई टेल यू। अब यहां पर जैसे मैंने लिख दिया स्नेहा, पीहू, तवनीत, छवि, ठीक है, और बॉयज में जैसे लिख दिया मैंने समय, राहुल, लोकेश, सौरभ, तो ये सब मैंने लिख दिया जैसे नेम्स, ठीक है। अब ये जो नेम है मेरा छवि, स्नेहा, लोकेश, समय, ये अलग अलग नेम है, तो इन सभी नेम्स को बोला जाता है सेल। यानी ये मेन मेरा टेबल का जो मेन मकसद है टेबल बनाने का वो ये है ना। तो टेबल के अंदर जितना भी मेरा डाटा है, हर डाटा को बोला जाता है सेल। अब मैंने जिनके भी नेम्स लिखे जैसे छवि, स्नेहा, पीहू, सौरभ, लोकेश, राहुल एंड समय, ये सब क्या है सेल। सेल अल्फाबेट्स में भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल भी, लाइक अगर होता 18, 40, 42, 81, तो ये सब भी मेरे क्या है सेल, जो मेरा डाटा है। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी मैंने क्लास की एग्जांपल ली थी, अगर इसके विपरीत कोई और एग्जांपल होती जिसमें हमें लाख करोड़ वर्ड्स को यूज करना है, तो उसके लिए टेबल में हमें सिर्फ एक वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब कि एक यूनिट को, चाहे वो मीटर में ले लो या सेंटीमीटर में ले लो, लीटर में ले लो, मिलीलीटर में ले लो। अगर आप सेंटीमीटर यूज कर रहे हो तो आपको सेंटीमीटर में ही सारी यूनिट्स लिखनी है। अगर लीटर में कर रहे हो तो सारी जो वर्ड लिखनी है आपने डाटा सेल वो सब लीटर्स में होना चाहिए, तो इट शुड बी सेम। नेक्स्ट आता है फुटनोट एंड सोर्सेस। फुटनोट की ज्यादा जरूरत नहीं होती, इट इज ओनली नीडेड जब आपकी इंफॉर्मेशन टाइटल हेडनोट में कवर ना हो और आप बताना चाहते हो टेबल के बारे में कुछ, तो टेबल के नीचे लास्ट में लाइन लिख देते हो फुटनोट, जो आप लिखना चाहते हो टेबल के रिगार्डिंग। और लास्ट में ये इंपॉर्टेंट होता है सोर्स, ये कंपल्सरी है दैट यू नीड टू राइट दैट फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन द डाटा। मैं जैसे मैंने डाटा लिया क्लास 11 कॉमर्स से, एमजीएम पब्लिक स्कूल से, ठीक है। तो आप सोर्स बताते हो कि कौन सी बुक से आपने डाटा लिया, कौन से पब्लिशर से आपने डाटा लिया, ठीक है, और कौन से न्यूज़पेपर से, कौन सी वेबसाइट से आपने डाटा लिया, वो आपको नीचे लास्ट में सोर्स वर्ड लिखकर बताना होता है। These are the 9 parts of the table. आप इनमें से कोई 6 याद कर लीजिए for your exams, ताकि आपको exams में अगर 4 पूछे, 5 पूछे, आप भूले मत। So you should prepare at least 6. अगर आप 9 के 9 कर सकते, it's well and good. So that's all for today. I hope आपको आज की वीडियो में कुछ समझ आया और मजा आया। और अगर आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज क्लिक द बेल आइकन ऑन द साइड टू गेट ऑल द लेटेस्ट न्यू नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय।